मुझे नहीं पता, मुझे शादी में जाना है। वो एक दफा नहीं, हजार दफा जा, लेकिन फजूल खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। फजूल खर्चे नहीं है ये, कम से कम शादी में कपड़े और जेवर असली ना सही, नकली हार बुंदे तो गले में डालूंगी ना। क्यों क्यों डालेगी हार बुंदे? हार बुंदे डाले बिना शादी में शिरकत नहीं करने देंगे तुझे। चलो जेवर किसी से मांग के पहन लूंगी, चूड़ियां और चप्पलें भी मांगूंगी क्या? कम से कम दो सूट ही सिलवा देते, मेरी सगी खाला की बेटी की शादी है। वो मांग ले चाची से, मेरे पास नहीं है कुछ भी। चाची से क्या क्या लूं चाची से मैं? सभी कुछ तो वो करवा के देती है मुझे। ओ उसी से मांग, ये अजाब भी ना उसी ने मेरे गले डाला है। मुंह बंद कर अपना। तारिक, ओ तारिक, क्या सोचा तूने? अबे बोल ना, क्या सोचा तूने? कुछ नहीं बेटा, सोच ले, ये ना हो कि तू सोचता ही रहे। मुझे एक बंदे की जरूरत थी, सोचा तेरे से पूछ लूं, यार है ना तू। क्या हाल है तारिक? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, ऐसे हालों में तो ठीक ही होता है तू। क्या बात है, आजकल इसको तेरे साथ बहुत देख रहा हूँ। अबे मैं कहाँ यार, खुद ही आ जाता है यहाँ पे। देख भाई, छुरी खरबूजे पे गिरे या छुरी पे खरबूजा, नुकसान हमेशा खरबूजे का ही होता है। अच्छा छोड़ यार, आज इस फ्लैट वाले की जेब से फिर ही खत निकला यार। मुझे लगता है शायद इस फ्लैट में इसके साथ कोई नहीं रहता, वैसे किसी को देखा भी नहीं है। मुझे भी यही लगता है यार, कोई चेक करके भेजता ही नहीं है कपड़े। अबे ओ लौंडो, अबे काम कर लो काम साबास, अबे ये कचेरियां बाद में करना, चलो साबास चलो काम करो। हाँ चाचा आए, बस हो गया। तेरे साथ क्या मसला है? तूने चाचा नवाज को मेरी शिकायत क्यों लगाई? अगर मैं चरस के सिगरेट पीता हूँ ना, तो अपने पैसों का पीता हूँ, तेरे के पैसों का नहीं पीता। अबे मैंने तेरी कोई शिकायत नहीं की, वो किसी की शलवार जल गई थी तो चाचा ने मुझसे पूछा कि यहाँ सिगरेट कौन पीता है, तो बस। अबे किसी और का नाम ले लेता, मेरा नाम क्यों लिया? अगर मेरे हवाले से कोई बात की ना, तो तू याद रख मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, समझा? अलग कपड़े खराब कर गया सारे। पर मैं तुझे छोड़ूंगा तो दिस क्यों मुझे छोड़ेगा ना? आया पड़ा। मैं तो तंग आ गया हूँ यार ये काम करते करते, लोगों की जिंदगी का मेल धोते धोते अपनी जिंदगी मेली की मेली है। कहता तो तू ठीक ही है यार, करें तो और क्या करें, बाप दादा यही करते करते गुजर गए। वो बाप दादा मर गए तो हम भी मर जाए क्या? उन्होंने हमें कुछ नहीं सिखाया तो हम भी अपनी औलाद को कुछ नहीं सिखाए। इन बातों में सिर्फ मजा ही है, कल जब सुबह होगी ना तो तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। हाँ कल सुबह तू भी यही है और मैं भी यही हूँ, लेकिन कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं दुबई चला जाऊंगा। क्या दुबई, कब? वो चाचा ने 1.25 लाख का इंतजाम कर दिया है, बस 25,000 का और इंतजाम हो जाए, चाचा मुझे दुबई भेज देंगे। चल यार तेरी जिंदगी तो संवर जाएगी। अबे फिकर नहीं कर, मैं सेट हो गया, तुझे भी बुला लूंगा। चल आजा चले यार। अभी तक नाराज है? नहीं। देख तू अगर मुझसे मुंह बनाती है, मैं अपना गुस्सा तुझ पे निकालता हूँ, हिसाब बराबर हो गया ना। मुंह नहीं बनाती, जरूरत की चीजें मांगती हूँ,
और तुमसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? देख, तू अपनी परेशानियां मुझे सुनाती है ना, सुनाती है ना, तो मैं अपना गुस्सा तुझ पे ही निकालूंगा, नहीं तो क्या सीधे की बीवी को गालियां दूंगा? देख, हस्ती भी तो कितनी अच्छी लगती है। हाँ तो दो जोड़े और चूड़ियां मंगवा दे, मैं पूरा महीना हस्ती रहूंगी। मंगवा सकता हूँ, दो जोड़े चूड़ियां सब कुछ मंगवा सकता हूँ। तू ये भी तो सोचना, इतनी दूर का सफर, वहाँ आने जाने का सफर, फिर खर्चा, शादी में लेन देन, ये सब भी तो मुझे ही देखना है। आखिर कब तक चाचा से मांगता रहूंगा? तुझे अच्छा लगता है मैं चाचा से मांगता रहूँ? वो चाचा, खाना खाओगे? खाना तो मैं खा के आ रहा हूँ, तू खाना खा और बाद में मुझसे कुछ थप्पड़ भी खा लेना दो चार। तू चाचा, कोई गलती हो गई क्या? अबे गधे, वो जाना चाह रही है तो क्यों नहीं जाने दे रही अभी से, हैं? अरे चाचा, तुम तो जानते हो उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। मैं जानू तेरा कितना दिल ना लगे, खुशी से झूमे फिरे तू कि चलो कुछ दिन की आजादी मिली। क्या मेरे जाने के बाद ये खुश होते हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा चल बात सुन, इसे जाने दे भाई, और इसे जो कुछ भी कपड़े जूते वगैरह लाने हैं ना, लाने दे। और हाँ, खर्चे की फिक्र ना करियो, पर मैं तुझे दूंगा भाई। आखिर कब तक चाचा, कब तक? अबे गधे, तू मेरा बेटा है, बेटा तेरी जिम्मेदारी है मुझ पे। अच्छा बात सुन, तू कल को जब दुबई जाएगा, वहाँ कमाई करेगा, तो क्या सारी की सारी लुगाई को भेज देगा? अबे चाचा को कुछ ना भेजेगा क्या, हैं? अच्छा चाचा, मैं चाय लेके आती हूँ। वहाँ एक मुजरिम की तरह सोचना। सर, मैं कुछ समझी नहीं। मैं भिखारी हूँ तो मैं सबके सामने हाथ मिलाऊंगा? ओए तो मैं अभी कोई सेठ नहीं हूँ जो तिजोरी खोल के रकम तुझे पकड़ा दूंगा। सर मेरा ख्याल है इस बंदे को इसी मकाम पे मारा गया। सर मेरा ख्याल है कि इसे एक से ज्यादा बंदों ने मिलकर मारा है। तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? धोबीघाट के इलाके का दौरा करने के लिए कहा था। गुज़िश्ता 2 माह से वहाँ 4 लाशें मिल चुकी हैं। हाँ, जाना तो है पर एक और अहम काम आ गया है। फरा, तुम एक काम करो, तुम जमाल और मुजाहिद को लेकर वहाँ का सर्वे कराओ। आसपास के कौन कौन से इलाके धोबीघाट से आकर मिलते हैं, किस रास्ते से लाश को लाकर फेंकना या तशद्दुद ज़्यादा बंदे को लाना आसान रहता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर, मैं समझ गई। सर, आपके इलाके का सर्वे और इतराफ का सर्वे प्लस तजर्बाती रिपोर्ट भी आपको चाहिए। हाँ, और एक बात और याद रखना, वहाँ एक मुजरिम की तरह सोचना। सर मैं कुछ समझी नहीं। देखो, अगर पुलिस वालों की तरह सोचोगी तो जो है सिर्फ उस पर निगाह होगी, और अगर किसी मुजरिम की तरह सोचोगी तो जो हो सकता है उस पर भी तवज्जो रहेगी, समझी? यस सर, आज आपने मुझे इतना अहम नुक्ता बताया कि मैं इसे हमेशा अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करूंगा। गुड। चाचा, अरे चाचा। अबे क्या है? अच्छा कभी तो नरमी से बात करा करो, हर टाइम झाड़ पे चढ़े रहते हो, मैं भी तो तुम्हारे बेटों की तरह हूँ। अच्छा बोल, क्या बात है? बात यह है चाचा, मैं परेशान हूँ, बहन की शादी करनी है, उसके लिए कर्ज चाहिए। अबे अबे तेरी बहन? अबे जहाँ तक मुझे याद पड़ लिया है ना, तू अपने उस शरीफ बाप की आखिरी और गंदी औलाद है। अरे ओ चाचा, मामू की बेटी की शादी है, वो भी तो बहनों की तरह होती है। ठीक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं, पर जा तू। क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, अगर बुरे वक्त में आप लोग काम नहीं आओगे तो कौन आएगा?
अच्छा ठीक है, मैं सबसे बात करता हूँ और कुछ जमा करके तुझे दे देंगे, समझा? अरे चाचा, मैं भिखारी हूँ तो मैं सबके सामने हाथ मिलाऊंगा? ओए तो मैं अभी कोई सेठ नहीं हूँ जो तिजोरी खोल के रकम तुझे पकड़ा दूंगा, समझा? अरे चाचा, 2,25,000 रुपए हैं तेरे पास, उसमें तो 25,000 दे दे, बाकी कहीं और से कर लूंगा। 2,25,000? अबे किसने बता दिया तुझे? अरे चाचा, कौन बताएगा, जानू पूरे जहां की खबर रखता है। तो फिर एक खबर ये भी रख अपने पास कि ना मेरे पास कुछ है और ना मैं तुझे कभी दूंगा, समझा? चल शाबाश शाबाश, काम कर, चल। इसका मतलब ये हुआ कि धोबी घाट से मिलने वाली ज़्यादातर लाशों का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से जुड़ता। सर मुमकिन है इसी सोच से किसी ने फ़ायदा उठाया हो? मुमकिन है, लेकिन जमाल हमारा काम यही है कि हम हर मुमकिन को यकीन की हद तक पहुँचें, फिर चाहे हमारा अंदाज़ा सही हो या गलत। जी हेलो, क्या? ओ नो, ठीक है हम आते हैं। क्या हुआ सर? धोबी घाट से फिर किसी की लाश मिली, चलो। सर मेरा ख्याल है इस बंदे को इसी मकाम पे मारा गया। सर एतराफ़ की जगह पर खून इस तरह गिरा है जैसे किसी तेज धार आले की मदद से निकल के गिरा हो, और सर लाश को घसीट कर लाने में कोई निशान नहीं मिलता। सर मेरा ख्याल है कि इसे एक से ज़्यादा बंदों ने मिलकर मारा है। तुम्हें ये ख्याल क्यों है? सर ये ख्याल मुझे इसलिए है कि आप फर्ज करें कि रात के वक्त ये बंदा इस तरफ से आ रहा हो तो। तुम्हारा तज़िया ये क्यों है? वो इसलिए सर के एक ही मौका पर इतनी शिद्दत से 2 बार चाकू मारने के लिए इतना गैप और चांस मिलना ज़रूरी है जो इसी तरह मिल सकता था। सर मुझे इनकी तज़िये से इख्तलाफ है। वो क्यों? सर जैसे कि जमाल ने बताया मक्तूल के हाथ खुले हुए थे, जबकि आपने उसकी कलाई और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर जो निशानात देखे वो वाज़े हैं, और इससे साबित होता है कि मेरे सामने आने का मकसद। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। साहब ऐसे ही था, मैंने खुद इनको झगड़ते हुए देखा था साहब। अच्छा, वो जरूर किसी के खौफ में आके इल्जाम अपने साथ ले रहा है और बस। नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज में देखा। अच्छा, और हमारे पास जैसे। ओए ज्यादा मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? चल जा अपना काम कर। क्या बात है, लोग नजर नहीं आ रहे? वो साहब बराबर में स्कूल के ग्राउंड में स्वयं रखा है, सब लोग वहीं पर हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? चाचा क्यों परेशान होता है? हे कौन वो मुझे बता, मैं निपटूंगा उससे। जमाल के तज़िये के मुताबिक कुछ बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन एक बात फरा की भी बिल्कुल ठीक है, उस वक्त हमला आवर 2 थे। बहरहाल जमाल फोटोग्राफर्स को बुलवाओ और तस्वीरें खिंचवा कर इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, ठीक है? तुम यहीं रहते हो? जी साहब मैं यहीं रहता हूँ और ये धोबी घाट में काम करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहब साबिर नाम है मेरा। इसे जानते हो? जी साहब ये चाचा नवाज है और ये धोबी घाट के ठेकेदार थे, और ये माशाल्लाह 18-20 साल से धोबी घाट को चला रहे थे।
अच्छा, इतना सब कुछ जानते हो। फिर तो ये भी जानते होगे कि इसकी किसी से दुश्मनी, कोई कारोबारी रकाबत या कोई और मसला। मेरा मतलब है कि नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। ऐसे ही था, मैंने खुद इनको झगड़ते हुए देखा था साहब। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि इसका किसी के साथ झगड़ा नहीं था, फिर ये? नहीं साहब, चाचा नवाज किसी से भी नहीं झगड़ते थे। चाहे तो आप तारिक से पूछ सकते हैं। हाँ, तारिक कौन? सर वो चाचा नवाज का भतीजा है और यहीं धोबी घाट में कपड़े धोता है और यहीं के साथ रहता है। चलो ठीक है, शाम को तुम दोनों आके थाने में मुझे मिलो और वो उस तारिक को भी लेकर आ। ठीक है सर। चलो अभी चलो। सर मुझे लगता है कि 70 साल का बूढ़ा बाइक चोरी नहीं कर सकता। वो जरूर किसी के खौफ में आके इल्जाम अपने साथ ले रहा है और बस। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज में देखा, वो बाइक का लॉक खोल के पार्किंग में से गाड़ी निकाल रहा था, इसी दौरान वो पकड़ा गया। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कहते हुए कि 2 माह पहले भी वो इसी तरह चोरी करते हुए पकड़ा गया। क्या सर, वो इस उम्र में भी आदि चोर है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हाँ, वो आदि चोर है। हाँ मुजाहिद बोलो। हाँ ठीक है, ले आओ दोनों को। हाँ भाई बोलो, क्या बता रहे थे तुम? किससे झगड़ा हुआ था नवाज का? सर इस बात का तो पता नहीं, पर एक उस दिन एक लंबा सा आदमी आया था और उस दिन सुबह सुबह मैं धोबीगढ़ पहुँचा ही तो। अरे चाचा, कौन था ये तो तुझे धमकी लेके जा रहा है? वो कुछ नहीं, वो धुलाई के दरमियान उसके कपड़े उधड़ गए थे ना, इसलिए खफा हो रहा था। चाचा ये तो यहाँ का लगता भी नहीं है, और पहले मैंने कभी इसको देखा भी नहीं यहाँ पे। वो तो क्या हमारे पास यहीं से कपड़े आते हैं धुलने के लिए? और दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से, समझा तू? अच्छा, और हमारे पास जैसे? वो ज्यादा मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? चल जा अपना काम कर, चल। मेरे प्यारे चाचा, खफा क्यों होता है? तुमने फिर कभी उस शख्स को देखा? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। और तुम क्या कहते हो? नहीं सर, मैंने भी चाचा नवाज को कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा, बस वो कभी कभार गुस्सा होते थे, सिर्फ और सिर्फ तारिक पर। अरे हाँ, ये तारिक कहाँ है, क्यों नहीं आया? सर वो उसके चाचा की तदफीन है, वो वहीं गया होगा। चलो ठीक है, हम उससे वहीं मिल लेंगे। मुजाहिद, इन दोनों के बयान रिकॉर्ड करो और हाँ, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लो। ओके सर। ज़रूरत पड़ी तो हम तुम दोनों को फिर बुलवाएंगे। जाओ। सुनो, इस जख्मों के निशान कैसे हैं? सर वो कपड़े धोते वक्त हाथ फर्श पे लग जाता है, इस वजह से सर ये आदत है। ठीक है, जाओ। तारिक, कब तक यूँ सोग मनाते रहोगे? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। देखो तारिक, ऐसे में तुम्हें चाची और बच्चों को संभालना है। तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे तो उन्हें कैसे संभालोगे? तुम अपनी जबान संभालो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। वालेकुम सलाम जी भाई, कहिए। कहेंगे तो आप, हम तो सिर्फ सुनेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि एसएचओ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। चलो चलो चलो। सर जी साहब। हाँ भाई तारिक, आज तो तेरे चाचा का स्वयं है ना, क्या बात है, लोग नजर नहीं आ रहे? वो साहब बराबर में स्कूल के ग्राउंड में स्वयं रखा है, सब लोग वहीं पर है। अच्छा, तुझे कुछ अंदाजा है तेरे चाचा को कौन और क्यों मार सकता है? नहीं साहब, लेकिन ये बात जरूर है, वो कुछ दिनों से परेशान जरूर थे। कौन? वो सर वो
कुछ दिन पहले की बात है। शुक्र खुदा का चाचा ने हमारी मुश्किलें आसान कर दी, वरना इस शादी में जाना तो मुश्किल था हम लोगों का। बात तो तुम ठीक कहती हो, अल्लाह के बाद चाचा का ही आसरा है जो हमारे लिए इतना कुछ करता है। अब्बा के इंतकाल के बाद मेरे बहन भाइयों की शादी, मेरी शादी, मेरे लिए रहने के लिए घर, सब कुछ चाचा ने ही तो किया है। तारिक, तुम्हें भी अब चाचा के लिए कुछ करना चाहिए, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके बुढ़ापे का मुझे भी ख्याल है, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उनके लिए सहारा बनूं। मगर कपड़े धोने से मिलता ही क्या है, देखना जब मैं दुबई चला जाऊँगा ना, वहाँ से खूब नोट कमाऊँगा और अपने बहन भाइयों की शादी धूमधाम से करूँगा, चाचा भी देखते रह जाएंगे। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुझे बेटा समझा, मगर आज तूने मेरे बच्चों को अपना बहन भाई कहकर ये साबित कर दिया है कि तू मेरा बेटा है। अरे कैसी बातें करते हो चाचा, आपने जब अपना समझा है तो फिर अपना ही बन के दिखाएंगे ना। तू क्या बेटी मुंह देख रही है, चाय लेकर आ। और नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे, जा नीचे जा, तेरी चाची तुझे बुला रही है, जा बेटा। ठीक। तारिक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ चाचा। बेटा, मेरा एक शख्स ने जीना हराम कर रखा है और अब तो वो मुझे धमकियां भी देने लगा है। मुझे डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। कैसी बातें कर रहे हो चाचा, आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझे बताएं कौन है वो कुत्ता, मैं देख लूंगा उसे। वो तो मैं तुझे बता दूंगा, मगर आज तेरे मुंह से अपने बच्चों को तेरा बहन भाई का लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया, खुदा की कसम अब मैं सुकून से मर सकूंगा। चाचा क्यों परेशान होता है कौन वो मुझे बता, मैं निपटूंगा उससे, तू फिकर नहीं कर और मरने की बातें ना कर चाचा, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। है एक बेटा जो कल मेरा दोस्त था, अगर आज मेरा दुश्मन है, तुझे मैं कल उससे मिलवाऊंगा। ये जख्मों के निशान कैसे? वो सब अक्सर कपड़े धोते हुए हम धोबियों के ऐसे निशान हो जाते। छोड़, मुझे तो असल मुजरिम वही लगता है, क्योंकि वो नशा भी करता है, काम चोर भी और झगड़ालू भी बहुत है। इन तमाम बुराइयों के होने से ये बात साबित नहीं होती कि बंदा कातिल भी हो। चाचा ने 2,50,000 रुपए जमा कर रखे और ये अक्सर चाचा से कहता था कि ये पैसे उन्हें दे दे, कर्जा दे दे। सर, सर ये झूठ बोल रहा है सर, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए कर्जा मांगा था 25,000 रुपए। तुम इतने सीधे और ईमानदार नहीं हो जितना खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, फिर कुछ बताया कौन था वो? नहीं सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा सर, ना चाचा का कभी किसी से झगड़ा हुआ, ना किसी से मुंह मारी, फिर भी कौन मार सकता है, कुछ पता नहीं। सर हम पता कर सकते हैं। वो कैसे? सर बगोल तारिक के, उन्होंने कहा है कि उनका एक पुराना दोस्त था जो अब दुश्मन बन चुका है। तो सर सबसे पहले हम उनके पुराने दोस्त तलाश करते हैं, उसके बाद दोस्त और दुश्मन सामने आ जाएंगे। गुड जमाल, वेरी गुड। थैंक यू सर। मुजाहिद। यस सर। तुम उस शख्स के तमाम दोस्तों की लिस्ट तारिक से लो और तुम उनके पास खुद जाकर उन सबको बुलवाओ। ओके? ओके सर। और तुम काम की कोई बात पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। जी साहब। ये जख्मों के निशान कैसे? वो साहब अक्सर कपड़े धोते हुए हम धोबियों के ऐसे निशान हो जाते। छोड़। ठीक है। सर सब ठीक तो है? आओ फरा बैठो। फरा, इस केस में कहीं कुछ है जो अटक सा गया है? मतलब सर?
मतलब ये कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं कुछ ऐसा था जिससे आगे बढ़ने में मदद मिलती, पर क्या वो समझ में नहीं आ रहा। सर ऐसा तो नहीं कि जानू आपके दिमाग में हो, क्योंकि मुझे तो असल मुजरिम वही लगता है, क्योंकि वो नशा भी करता है, काम चोर भी और झगड़ालू भी बहुत है। इन तमाम बुराइयों के होने से ये बात साबित नहीं होती कि बंदा कातिल भी हो। यस सर, पर कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा करनी होगी। हाँ, इसी इंतज़ार में हूँ कि कहाँ से इब्तिदा करूँ, क्योंकि अगर पहला सिरा हाथ आ गया तो बाकी सब खुद ब खुद सुलझता जाएगा। सर ना हो जाए, चाय पिलाऊँ? नहीं यार, चाय नहीं, फिलहाल तो वो सिरा चाहिए जिसने परेशान कर रखा है। सॉरी सर, पर इस सूरत हाल में मेरी दादी वाला नुस्खा अपनाएं, हो सकता है कुछ हल निकल जाए। अच्छा, वो क्या? सर बचपन में हमसे कोई चीज़ गुम हो जाती तो अम्मी बहुत गुस्सा हुआ करती, और दादी उस पर कहती हैं कि शुरू से सोचना शुरू करो, हो सकता है कुछ याद आ जाए, कहाँ गए थे, कहाँ निकले थे, किसके पास गए थे, और अक्सर वो चीज़ें हमें याद आ जाती। सर इसका मतलब है हमें चारों कत्ल, जाए वारदात और शुरू से लेके अभी तक जो कुछ हुआ सब सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम इस बारे में सोचते हैं, तुम जाके चाय लाओ। सर अगर इसकी बातों से आपके सर में दर्द शुरू हो गया तो गोली भी मंगवा दूँ? नहीं नहीं, फिलहाल तो चाय ले आओ। ओके सर। फरा, अगर कोई जूनियर गलती करे या कुछ गलत कहे तो उसे डायरेक्ट मत टोका करो, उसका हौसला टूट सकता है। हो सकता है कि वो सही बात करने जा रहा हो और इस डर से कि उसका मजाक उड़ेगा वो बात ही ना कहे। सॉरी सर, आइंदा एहतियात करूँगा। फरा, मैं जो तुम्हें बार बार टोक रहा हूँ ना, उसकी वजह है। वो क्या है सर? वो ये कि तुम में आगे बढ़ने की बहुत काबिलियत है, मगर तुम अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रही। सर आपको क्यों ऐसा लगा? वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल तो मुझे मुजाहिद की दादी के मशवरे पर मत करना। फरा, मुझे लगता है कि दूसरा सिरा मिल गया। तुम सुबह पहली फुर्सत में उस तारिक, जानू और साबिर को बुलवाओ। ओके सर। थैंक यू मुजाहिद। खुद से कुछ बताओगे या मुझे कोशिश करना पड़ेगी? हमारी मिस फराह का कहना है कि कातिल दो हैं, और जमाल साहब कहते हैं कि कातिल एक। भाई अब तुम तीनों मिलकर फैसला कर लो कि तुम तीनों में से कातिल एक है या दो। सर मुझे लगता है कातिल जानू है, यही ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। जी हाँ सर, अगर हम में से कोई कातिल है तो वो जानू ही हो सकता है, क्योंकि इसे मालूम था चाचा ने 2,50,000 रुपये जमा कर रखे, और ये अक्सर चाचा से कहता था कि ये पैसे उन्हें दे दे, कर्जा दे दे। सर सर ये झूठ बोल रहा है सर, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए कर्जा मांगा था 25,000 रुपये, ये गरीबी हरकत ये कर सकता है सर? मैं नहीं, ये झूठ बोल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। जानू तुम इतने सीधे और ईमानदार नहीं हो जितना खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। यह बात सच है कि तुमने चाचा पर कर्जे के लिए दबाव डाला और उन्हें धमकियां दी। तुम्हारे हाथ कितने ही गुनाहों से रंगे हो सकते हैं, मगर इस खून से नहीं। हां, कातिल ये दोनों हैं। सर सर, इसने कत्ल किया अपने चाचा का। नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है सर, वो चाचा मेरे बाप की तरह था चाचा। हाँ, इसीलिए तूने उन्हें अपने बाप के पास भेज दिया। हाँ, जब उस दिन मैंने साबिर के हाथों में निशान देखे
तो मैं थोड़ा सा चौंका था, लेकिन जब बाद में तारिक के हाथ पर भी यही निशान दिखे और दोनों ने वजह एक ही बताई, तो शायद उस दिन इनके कहने पर मुझे एतबार आ गया था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि जानू भी तो यही काम करता है, तो फिर इसके हाथों में ऐसे निशान क्यों नहीं। यही सोचकर मैंने जमाल और मुजाहिद को धोबी घाट भेजा। वहाँ इन्होंने कई धोबियों के हाथ देखे, मगर किसी के हाथ पर भी इस तरह के निशान नहीं मिले। साबिर, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, या मैं वैसे ही खामखा बोले जा रहा हूँ? सर, सर इसने कत्ल किया अपने चाचा का। गलती हो गई साहब, गलती हो गई, मैं तो समझाने गया था। चुप हो जा, जब पूछे जब बताइए तो समझा। मिस्टर तारिक, अब ये सब तुम्हारे लिए फजूल है, तो बेहतर ये है कि तुम सच सच बता दो। हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ रियायत हो जाए। सब मेरे चाचा को मानने का इरादा नहीं था, मैं तो समझाने गया था सब। यार तारिक, तुझे नहीं लगता सिकंदर के बारे में मशहूर है, बहुत फ्रॉडी है वो? अबे सुनी सुनाई बातों पे कान ना धरा कर। और वैसे भी मैंने 1,00,000 रुपए दिए, 25,000 जमा करने में 2 साल लग जाएंगे, जब तक वो 2,50,000 रुपए मांगने लग जाएगा और फिर मैं अटक जाऊंगा ऐसे ही। वो मना लूंगा चाचा को भी मैं यार, ऐसे देखना तो। ओ तारिक, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो घर से पैसे लेकर आया, तो किसको ला कर दिए? वो सिकंदर को दिए। मैंने इसी दिन के लिए तुझ पे भरोसा करके तेरे पास पैसे रखवाए थे। अबे चल मेरे पैसे लेने वापस, चल चल। नहीं, मुझे जल्द से जल्द जाना है दुबई, मैं 2 साल इंतजार नहीं कर सकता। देख बेटा, और साल 2 साल बाद तो तू चला ही जाएगा, सिकंदर तुझे जिंदगी भर नहीं भेजेगा, ये याद रखना। मैं कहता हूँ चल। वो चाचा जब पैसे दिए तो भरोसा भी कर। तो कैसा भरोसा, तू बच्चा तो है नहीं, समझा? चल मेरे साथ चल, मैं कहता हूँ पैसे लेने वापस चल। मैं कहता हूँ चल चल चल। बस चाचा बस, अब अगर तूने थप्पड़ मारा ना, ये लाया तो मैं पैसों की हिफाजत के लिए था, यही घुसेर दूंगा। चाकू दिखा रहा मुझे, मुझे चाकू दिखा रहा मुझे, मुझे चाकू दिखा रहा मुझे, मैं चाकू दिखा रहा मुझे। गुस्सा आ गया सर। चुप, यूं ही अल्लाह पाक ने गुस्से को हराम करार नहीं दिया। जमाल सर, ले जाओ इन दोनों को, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। दिखाओ। सब माफ कर दो एक बार। साहब बन गया भाई साहब, सब माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। 31 मई की रात को गार्डन पुलिस को इत्तला मिली कि धोबी घाट के इलाके में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई। लाश की शनाख्त 45 साला मोहम्मद अनवर उर्फ नन्ही मियां के नाम से हुई। पुलिस ने लाश वोरसा के हवाले की। गार्डन पुलिस तफ्तीश की गर्ज से मकतूल के घर पहुंची। तफ्तीशी अफसर के सामने मकतूल का भतीजा आसिफ और उसका साथी आ गया, जिनके हाथों में पट्टियां बंधी हुई थी। पुलिस ने शक की बुनियाद रखते हुए आसिफ से तफ्तीश शुरू की, तो वो बौखलाहट का शिकार हो गया। पुलिस ने आसिफ और उसके साथी को थाने मुंतकिल किया, जहां रिवायती तफ्तीशी अंदाज में मुलजिम मोहम्मद आसिफ ने अपने चचा मोहम्मद अनवर को कत्ल करने का एतराफ करते हुए बताया कि मकतूल हमेशा गालम गलोच करता था और वकुआ वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद मोहम्मद आसिफ ने गुस्से में आकर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको छुरियों के वार करके कत्ल किया।